आज से लगभग 104 साल पहले जापान के एक लड़के ने एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान अपने खाली समय में एक नया इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाकर जब अपने मालिक को दिखाया तो मालिक ने उस सॉकेट को ठुकरा दिया। लेकिन इस बंदे को अपने सॉकेट पर पूरा भरोसा था और उसने अपनी नौकरी छोड़ उस सॉकेट को खुद बना के बेचने की जिद पाल ली थी और इसे पूरा करने के लिए उसने अपना पूरा सेविंग लगाकर घर में ही छोटा सा फैक्ट्री खोली। वो हर रोज उस सॉकेट को मार्केट में बेचने ले जाता और आते समय हताश निराश लौट आता बिना ऑर्डर लिए। और कुछ महीनों के लगातार ऑर्डर ना मिलने के कारण नौबत यहाँ तक आ पहुँचा था कि घर चलाना भी मुश्किल हो गया था और घर का सामान बेचना पड़ा। और ऐसी कठिन हालातों में भी वह बिना हार माने लगातार कोशिश करता रहा और अचानक एक दिन उसकी किस्मत बदल गई और उसे 1000 पीस का ऑर्डर मिला और इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, उस लड़के का नाम है कोनोस्के। इनके कंपनी को आज हम पैनासोनिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक बास 70 साल तक जिंदा रह सकता है लेकिन 40 की उम्र होते ही इनके चोंच बड़े हो जाते हैं, इनके पंखों का नाखून जरूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और इनके कारण पंख इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ना भी मुश्किल हो जाता है और शिकार करना भी मुश्किल हो जाता है और इसके कारण बास भूख से मर भी सकता है। लेकिन बास हार नहीं मानता, इसीलिए अपने चोंच पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देते हैं और इसके कारण बहुत सारे खून भी निकलते हैं, पर भी यह हार नहीं मानता। और इसके बाद 6 महीने के कठिन समय के बाद ये अपने नए चोंच से अपने पंखों को काट देते हैं और इतनी कठिनाई के बाद भी हार नहीं मानते। और 7-8 महीने बाद नए चोंच नए पंख आते हैं और फिर से बादलों को चीर कर अपने शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। एक दिन एक किसान खेत में काम करके घर लौट रहा था, तभी उसे एक सांप ने पैर में काट लिया। नीचे देखने पर उसे एक चूहा भागता हुआ दिखाई पड़ा। किसान को लगा कि उसे चूहे ने काटा है और वो निश्चिंत होके चल पड़ा। और उस किसान का सौभाग्य था कि सांप जहरीला नहीं था, इसीलिए किसान को कुछ नहीं हुआ। दरअसल सांप चूहे की शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ा था। सांप को देखकर किसान को लगा कि उसे सांप ने काटा है और वहाँ चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुआ है, इसलिए दर्द को अपने ऊपर इतना भी हावी मत होने दो कि वो आपकी जान ले ले।